friends, welcome to basic electrical engineering. In this video we are studying the concept of the slip of the single phase induction motor or torque speed characteristics of the single phase induction motor. तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं दो क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे. ये आपके बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो जो हमने अपने लास्ट वीडियो में डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी देखी थी, तो मैं एक बार और आपको छोटा सा रिव्यू दे देता हूँ. डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी कहती है कि आपके जो स्टेशनरी पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको हम टू रोटेटिंग फील्ड्स के अंदर उसे डिवाइड कर सकते हैं. एक होता है आपका फॉरवर्ड रोटेटिंग फ्लक्स, एक होता है आपका बैकवर्ड रोटेटिंग फ्लक्स. अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप इससे पहले आप वो वीडियो देख लें तो आपको ये कॉन्सेप्ट इजिली समझ आ जाएगा. तो उसी केस में हमारी क्या आती है, आपकी टू रोटेटिंग फील्ड आती है. तो फील्ड हम स्लिप देखेंगे ड्यू टू टू रोटेटिंग फील्ड्स. तो हमें जैसा कि पता है स्लिप क्या होती है, स्लिप कोल्स टू एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस, ये होती है स्लिप. स्लिप मीन्स आपके एन एस होती है आपकी सिंक्रोनस स्पीड, एन आर स्टैंड फॉर रोटर स्पीड. स्लिप को हम डिफाइन कर सकते हैं सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड अपॉन सिंक्रोनस स्पीड. अब सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड वो स्पीड होती है जिससे कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रही होती है किसी भी रोटर के अंदर, सॉरी किसी भी स्टेटर के अंदर जो आपकी एनएस होती है वो होती है आपकी सिंक्रोनस स्पीड, स्पीड ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है सिंक्रोनस स्पीड. और हर मोटर के केस में जो आपका एनएस होता है वो ग्रेटर होना चाहिए एनआर से जब भी आपकी मोटर रोटेट करना स्टार्ट करेगी, ये होती है आपकी स्लिप. अब हमारे क्या पास क्या था कि जो आपकी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर थी उसके अंदर आपकी दो रोटेटिंग फील्ड थी अकॉर्डिंग टू डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी. एक होती है आपकी फॉरवर्ड रोटेटिंग स्लिप, एक होती है आपकी बैकवर्ड रोटेटिंग स्लिप. फॉर फॉरवर्ड रोटेटिंग स्लिप एस एफ एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस, और वी से एन एस अपॉन एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस, और वी से वन माइनस एन आर अपॉन एन एस. फॉर बैकवर्ड रोटेटिंग स्लिप, बैकवर्ड मीन्स की नेगेटिव साइन, एन एस माइनस माइनस एन आर अपॉन एन एस, ये हो जाएगा आपका वन प्लस एन आर अपॉन एन एस. तो ये होती है आपकी फॉरवर्ड रोटेटिंग स्लिप, ये होती है आपकी बैकवर्ड रोटेटिंग स्लिप. ये थी आपकी फॉरवर्ड, ये थी आपकी बैकवर्ड. लास्ट वीडियो में इनके बीच का एंगल थीटा, ये फाई एफ था, ये फाई बी था. तो ये फॉरवर्ड रोटेटिंग स्लिप आई है वो आई है ये, और बैकवर्ड रोटेटिंग स्लिप आई है वो आई है ये. अब नेट रोटेटिंग स्लिप क्या होगी, इन दोनों का सम ऑफ, मींस एस एफ प्लस एस बी इज इक्वल्स टू वन माइनस एन आर अपॉन एन एस प्लस वन प्लस एन आर अपॉन एन एस. ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एस एफ प्लस एस बी इज इक्वल्स टू टू. ये आपको इक्वेशन याद रखनी होगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इक्वेशन है. ये आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिंपली क्वेश्चन आपके एक दो मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं आपके कंपलसरी पेपर में कि आपको फॉरवर्ड स्लिप गिवन होगी, बैकवर्ड निकालनी होगी, या बैकवर्ड होगी आपको फॉरवर्ड निकालनी होगी. एक दो मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है फ्रीक्वेंटली, तो आपको ये इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक. और सिमिलरली आप इससे अगर बैकवर्ड स्लिप निकालेंगे तो क्या आएगी, एस माइनस फॉरवर्ड स्लिप. तो ये होता है आपका स्लिप का कॉन्सेप्ट इन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंदर. अब हम बात करते हैं इसकी टॉर्क और स्पीड, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर. टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को समझने से पहले आपको कुछ बेसिक पल समझना होगा. ये आपको तो ये पता ही है, अकॉर्डिंग टू डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी एनी पल्सेटिंग स्टेशनरी फील्ड कैन बी रिवॉल्व इनटू अ टू रोटेटिंग फील्ड. तो ये मैंने फॉरवर्ड रोटेटिंग फील्ड फ्लक्स वेव बनाई है, ये मैंने बैकवर्ड रोटेटिंग फ्लक्स वेव बनाई है. और ये एस आ रहा था आपका सिंगल फेज, सॉरी जो आता था आपका फॉरवर्ड रोटेटिंग फ्लक्स जो आ रहा स्लिप आ रही थी वो थी एस, और बैकवर्ड रोटेटिंग फ्लक्स कितनी आ रही थी आपकी, टू माइनस, क्योंकि जो आपका फॉर्मूला था वो होता था एस एफ प्लस एस बी इज इक्वल्स टू टू. तो आपका एस बी कितना हो जाएगा, टू माइनस एस एफ, समझ पा रहे. तो ये आपकी होगी आर टू बाई एस फॉर फॉरवर्ड रोटेटिंग फ्लक्स, और ये होगी आपकी आर टू डिवाइडेड बाई टू माइनस एस फॉर बैकवर्ड रोटेटिंग फ्लक्स. अगर इन दोनों केस के अंदर स्लिप की वैल्यू वन हो जाए, एस की वैल्यू वन हो जाए, एस की वैल्यू वन कब होती है, एट स्टैंड स्टिल कंडीशन, एट स्टैंड स्टिल
कंडीशन. अब स्टैंड स्टिल कंडीशन क्या होती है, जब आपका रोटर किसी भी स्टेटर के अंदर रुका हुआ होता है, जब रोटर आपका स्टेशनरी पोजीशन पे होता है. स्लिप मींस कि जो उनका ns माइनस nr अपॉन ns की वैल्यू है वो 1 हो रही है. तो उस केस के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपका जो इसका इम्पीडेंस जनरेट होगा, इम्पीडेंस मीन्स कि z इक्वल्स टू r प्लस gx होता है इम्पीडेंस. तो इन दोनों केस का जब s की वैल्यू 1 होगी, s की वैल्यू इसमें भी 1 हो जाएगी, इसमें भी 1 हो जाएगी, तो इसके नीचे भी 1 बचेगा, इसके नीचे भी 1 होगा, तो आपका जो z की वैल्यू आएगी, इम्पीडेंस जो आएगा इन दोनों का वो सेम होगा. अगर इम्पीडेंस सेम होगा तो आपका जो करंट होगा इसके अंदर आई टू बी, आई टू एफ मीन्स की फॉरवर्ड करंट, ये बैकवर्ड फ्लक्स के लिए करंट. तो जो आपका अगर इम्पीडेंस दोनों का सेम हो गया तो करंट क्या होगा, करंट भी दोनों में सेम फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि आपके वोल्टेज तो सेम होगी दोनों की. तो V इक्वल्स टू आई आर के अकॉर्डिंग, V इक्वल्स टू आई आर, आर आपका सेम हो गया, V आपका सेम है, तो V अपॉन आर इक्वल्स टू आई हो जाएगा. तो दोनों के लिए जो करंट होगा वो इक्वल फ्लो होना शुरू हो जाएगा. अब करंट दोनों, अब आपका करंट रोटर के अंदर एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड के लिए फ्लो होना स्टार्ट हो गया है, वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है. मींस कि रोटर, आप रोटर के ऊपर कोई टॉर्क नहीं लगेगी. इस केस में आपका रोटर स्टैंड स्टिल कंडीशन में रहेगा जब आपकी स्लिप की वैल्यू 1 होगी. व्हेन रोटर रोटेट विद स्लिप एस. अब क्या कंसीडर कर रहे हैं हम, सेकंड कंसीडर कर रहे हैं कि आपकी जो स्लिप की वैल्यू इस बार 1 नहीं है. मींस स्लिप कुछ ना कुछ स्लिप आ रही है आपके ns माइनस nr अपॉन ns की वैल्यू कुछ ना कुछ आ रही है. उस केस में क्या होगा, उस केस में आप देख रहे हैं कि जो आपके अगर स्लिप की वैल्यू 1 नहीं है, उस केस के अंदर आप क्या कंसीडर, आप क्या देख पा रहे हैं कि आपकी जो z की वैल्यू है, इम्पीडेंस जो होगा वो इसका तो कम होगा, इसका ज्यादा होगा, जिसकी वजह से जो करंट आई टू बी है वो ग्रेटर फ्लो करेगा एज कम्पेयर टू आई टू एफ. आपका करंट आई टू बी ग्रेटर फ्लो कर रहा है आपके रोटर के अंदर, मींस कि जो एमएमएफ जो इंड्यूस होगा आई टू बी की वजह से वो भी ग्रेटर हो रहा होगा रोटर पे एज कम्पेयर टू आई टू एफ. फॉरवर्ड जो फ्लक्स फॉरवर्ड रोटेट करेगा रोटर को वो तो कम इंड्यूस हो रहा है एज कम्पेयर टू बैकवर्ड रोटेट करने वाले को. अब जो बैकवर्ड रोटेट कर रहा है ये ईएमएफ इंड्यूस हो रही है जिसकी वजह से करंट जो फ्लो हो रहा है एमएमएफ आ रहा है वो क्या करेगा, आपके जो स्टेटर का जो फ्लक्स होगा उसको अपोज करेगा. अब जो क्या करेगा कि अपोज कर रहा है उसका आपको बैकवर्ड रोटेटिंग फ्लक्स को, आपको स्टेटर के फ्लक्स को बैकवर्ड रोटेटिंग फ्लक्स अपोज कर रहा है. तो अगर ये उसको अपोज करेगा, ये ग्रेटर देन अपोज करेगा एज कम्पेयर टू फॉरवर्ड, तो आपका जो मोटर है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट हो जाएगी. आप ये समझ पा रहे हैं ना, ये बड़ा सिंपल टॉपिक है. आप थोड़ा इस वीडियो को ढंग से दोबारा, अगर आपको ना समझ आए तो थोड़ा बैग लेके दोबारा देख लीजिए. ये आपका बहुत सिंपल टॉपिक है. तो आपका जो रोटर है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपका रोटेट करना स्टार्ट कर देगा. अब आपका रोटर जो है आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो इसकी टॉर्क और स्पीड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी. टॉर्क स्पीड की कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी फॉरवर्ड की वजह से जो इसका टॉर्क आता है, इसका जो टॉर्क ड्यू टू फॉरवर्ड की वजह से जो आता है वो आती है आपकी कुछ इस तरह. टॉर्क ड्यू टू बैकवर्ड की वजह से जो आता है आपका आता है कुछ इस तरह. मीन्स टॉर्क ड्यू टू फॉरवर्ड फ्लक्स, टॉर्क ड्यू टू बैकवर्ड फ्लक्स. अब दोनों का अगर हम कंबाइन करेंगे तो आपका नेट टॉर्क आएगा वो आएगा कुछ इस तरह. ये होती है आपकी टॉर्क, ये होती है आपकी स्पीड. सिमिलरली ये होती है आपकी टॉर्क, ये होती है आपकी स्पीड, ये होती है आपकी टॉर्क, ये होती है आपकी स्पीड. तो आपका नेट जो आएगा टॉर्क वो आप देख रहे हैं कि एट ओरिजिन जीरो आ रहा है. मींस जो आपकी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, उसका इनिशियल जो टॉर्क आता है एट ओरिजिन जो आ रहा है आप देख पा रहे हैं जो टॉर्क आ रही है वो जीरो आ रही है. तो ये कॉन्सेप्ट था इसके टॉर्क और स्पीड की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें. थैंक यू.